हेलो एवरीवन, यात्रा बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। अनंतगिरी हिल्स हम जा रहे हैं, ये जगह जो आसपास है वो बहुत है। तो देखते हैं हमारा व्लॉग आज का। बाय। इतनी ग्रीन है ये जगह, बहुत बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, और पूरे तेलंगाना में ही आपने देखा है हर जगह इतना ग्रीनरी मेंटेन रहता है। तो जब आप एग्जैक्टली उनके कोई हिल स्टेशन पर जाओगे तो वो तो बहुत ही परफेक्ट होगा जाने के लिए। तो ये रास्ता शुरू हो गया अनंतगिरी हिल्स जाने के लिए, और ये बहुत सुंदर है। आसपास दोनों तरफ आप देखिए, बिल्कुल एक भी इंच भी जगह नहीं है खाली जहाँ पे ग्रीनरी नहीं हो, हर जगह एकदम भरा हुआ है। थोड़े थोड़े से बूंदे गिर रही थी, तो हमें लग रहा है मौसम भी हमारे फेवर में होने वाला है, क्योंकि जितना रेनी या क्लाउडी टाइम पे जाते हैं उतना ही सुंदर लगता है। तो अभी रास्ता तो बहुत सुंदर शुरू हो चुका है, एकदम वाइब आ रही है कुछ अच्छी। सारे होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, तो आपको जब यहाँ पे आने वाले हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत सारे हर तरह के ऑप्शंस हैं। और घूमने के बाद आते वक्त भी आप रुक सकते हैं और जाते वक्त भी होटल ले सकते हैं। टी टाइम एट चाय बंक, चाय बंक पे करेंगे टी टाइम का ब्रेक। एक घंटा हो गया हम जब से घर से निकले, मैंने आपको करेक्ट 1 PM का टाइम दे दिया था, और अभी हम लोग एक ले रहे हैं ब्रेक चाय बंक पे। रास्ते में बहुत बहुत बहुत, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सुंदर है सब कुछ, और अब हम लोग हो गए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड कि आगे डेफिनेटली अनंतगिरी हिल्स तक जब पहुँचेंगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है। सो सी यू देन। तो ये देखिए गाइस, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर चाय ब्रेक कोई जगह है। यहाँ पे आप रुक के टी ब्रेक ले सकते हो, झूला झूल सकते हो, यहाँ झूला भी है। और जो ये जो टॉप पे दिख रही है दो लोगों की जगह, यहाँ बैठने वाले हैं, और यहाँ पे भी देखिए 15% है। तो देखते हैं यहाँ पे ऊपर रूफ टॉप काइंड ऑफ कैफे बनाया है उन्होंने, बहुत अच्छा कैफे बनाया है, मतलब बहुत ही सुंदर। तो ये हम बैक में आ गए इस जगह के। अरे वाह, व्यू इज ऑल्सो गुड, सी कितना अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। और वहाँ भी बैठ सकते हो उस जगह पे जाके, उसके लिए आपको उस फ्लोर से वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो आप यहाँ भी बैठ सकते हो, यहाँ भी बैठ सकते हो। ये देखिए हमारा नेशनल फ्लैग क्या बढ़िया हवा में लहरा रहा है। तो गाइज, अनंतगिरी हिल्स आना कैसे है, आप अपने किसी भी पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं, आप बाइक से आ सकते हैं, स्कूटी से भी आ सकते हैं, कार से भी आ सकते हैं। ये वन डे ट्रिप है, आप अगर अर्ली मॉर्निंग सुबह निकलते हैं तो बड़े आराम से आप लाइक नून टाइम में घर लौट सकते हो। हम लोगों का जैसा मैंने बताया बहुत ज़्यादा रैंडम प्लान था, हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये एग्जैक्टली जाना कहाँ है। मॉल जा के हम बोर हो चुके, और अंदर हैदराबाद की बाकी जगहों को हमने ज़्यादातर कवर कर लिया। तो अनंतगिरी हिल्स भी एक अच्छी जगह है, और अभी मानसून सीज़न है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ का प्लान किया। और हम लोग 12 बजे समथिंग निकले थे, और 2 बजे हैं अभी। अब यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आधे घंटे में हम लोग अनंतगिरी हिल्स पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं अब आगे, अभी तक की जर्नी तो बहुत ही अमेजिंग है। स्टार्टिंग के जो पेड़ हैं वो डार्क हैं, और उधर धूप है वो जो बिल्कुल ब्राइट ब्राइट दिख रहा है। तो धूप छाओ, धूप छाओ, हम लोग बड़े सरप्राइजिंगली जा रहे हैं, भगवान भी हमें सरप्राइज ही दे रहे हैं, लास्ट में जाके वहाँ पता चलेगा। पर रास्ते में भी सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारे व्यूज़ हैं, बिल्कुल ग्रीन ही ग्रीन है हर जगह। दरवाजे खिड़कियाँ खोल के बस ठंडी ठंडी हवा मिल रही है हर जगह। यहीं से पूरा व्यू पॉइंट आई थिंक शुरू हो चुका है, थोड़ा थोड़ा कहीं तालाब दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, घाट्स आ चुके हैं यहाँ पे अनंतगिरी हिल्स के। बहुत ही सुंदर है, ओ बहुत 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 सुंदर है ये सब कुछ। और सीमेंटेड रोड है यहाँ पे, तो चलने के लिए भी आपको गाड़ी से आ रहे हैं तो कहीं कोई दचके कुछ नहीं लगने वाला। देखिए रोड कितनी क्लीन और स्मूथ है जाने के लिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और आगे पीछे कोई है नहीं, तो बड़ा प्राइवेट और एक्सक्लूसिव लग रहा है इस चीज़ को देखना आपको। ये देखिए इतना प्यारा सा विलेज है ये, और बिल्कुल सुंदर सुंदर एक से हट्स बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे पानी आने वाला है, बहुत ही सारा पानी दिख रहा है हमारे मैप में, मैप आप शायद थोड़ा विजिबल होगा। तो अभी तक ढेर सारी ग्रीनरी, अब ये आ गया छोटा सा एक विलेज, बहुत ही सुंदर सा,
और अब आगे हम देखेंगे पानी और ये आ गया मंदिर। अब यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता आपको इस तरह से दिखने वाला है, थोड़ा पैच है, ऊपर नीचे है, बट यही निशानी है एक नेचुरल जगह जाने के लिए, तो इट्स फाइन। और ये रहा वो टिकट, जैसे ही आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक टिकट लेना होता है। हमने 30 रुपीज़ पे किए हैं, तो एज़ पर लाइक टू व्हीलर से आ रहे हैं, फोर व्हीलर से आ रहे हैं, तो उस तरह से प्राइस होता है। तो ये एंट्री हो गई है, अब हम लोग उस स्पॉट पर पहुँचने वाले हैं और ढेर सारा पानी भी देखने को मिलने वाला है और देखते हैं क्या क्या होगा आगे इस व्लॉग। ये आ चुकी है पार्किंग, अब शायद हम लोगों को पैदल जाना होगा क्योंकि पानी भी बिल्कुल हमारे पैदल संग में ही साइड में है और यहाँ गाड़ी पार्क करके पैदल पैदल कुछ रूट है जहाँ से जाना होगा। तो आ चुके हैं हम लोग अनंतगिरी हिल्स, फाइनली बोटिंग हो रही है, बहुत सुंदर व्यू है, इतनी सुंदर चौपाटी है, तो देखते हैं अभी क्या करने वाले हैं। सो ये एक साइड है, इसके जस्ट अपोजिट उस साइड पर भी हम जाने वाले हैं। तो पहले हमने यहाँ पे ये व्यू देखा, यहाँ बहुत सारे लाइक बोटिंग हो रही है, यहाँ पे खाने के लिए चीज़ें मिल रही हैं। तो एक साइड हो रही है कायाकिंग आपने देखा, दूसरे साइड हम आ रहे हैं जो पानी का झरना वाला प्लेस है वो देखने कि वो व्यू कहाँ से और कैसे दिखने वाला है। सो पहले आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ ये व्यू देखने मिलेगा, आप यहाँ कुछ खा पी सकते हैं, यहाँ पे आप कायाकिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का ऑप्शंस आपको यहाँ मिलता है। सो गाइज अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं अपोजिट साइड ऑफ दिस प्लेस, जहाँ पे ये वाटर का जो फ्लो है वो और ज़्यादा ही सुंदर है, जहाँ से ये बहुत अच्छा दिखता है। बट यहाँ पे आपको वॉक करके जाना होता है, ऑलमोस्ट 8-10 मिनट आपको वॉक करना है और व्यू बहुत सुंदर है। मेरे पास उसका फुटेज मेरे कैमरे में डिलीट हो गया, बट येस आई एम शेयरिंग यू माई रील हेयर, सो आई होप आपको इसे देख के आइडिया होगा इस सुंदर सी प्लेस का। एंड डेफिनेटली डू विजिट दिस ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी नाइस प्लेस अनंतगिरी हिल्स।